हेलो एवरीवन ग्रीटिंग्स ऑफ द डे तो अभी हम लोग इंडक्शन मशीन्स के डिस्कशन में हैं इंडक्शन मशीन्स के डिस्कशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किया आशा करते हैं आपने सिम्कोनस मशीन में ऑलरेडी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एनालिसिस किया होगा जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वेनएवर थ्री फेज टाइम डिस्प्लेस्ड करेंट्स आर सप्लाइड टू थ्री फेज स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग कि ऑब्वियसली स्टेटर में थ्री फेज मशीन्स के बारे में बात कर रहे हैं थ्री फेज स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग है उसमें थ्री फेज टाइम डिस्प्लेस्ड बैलेंस्ड करेंट मतलब कि उनके तीनों फेसेस के करंट के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो एंगल है

ठीक है तो इमेजिनरी पोल्स स्पेस में रोटेट करना चालू करेंगे और उस फेज सीक्वेंस के अलाइंड होते हैं उस फेज एक्सिस के अलाइंस होते हैं रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस फेज एक्सिस में उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे मैक्सिमम करंट फ्लो होता हुआ आपको ऑब्जर्व होता है तो फेज सीक्वेंस ऑफ करंट क्या है अगर ए बी सी फेस सिक्वेंस का करंट आपने इंजेक्शन किया हुआ है तो रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का भी जो रोटेशन का डायरेक्शन होगा वो पहले ए पे मैक्सिमम होगा फिर बी पे होगा फिर सी पे होगा इस तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है और रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आप चेंज अगर करना चाहते हैं तो इंजेक्टेड करंट का डायरेक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा फेस सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा मतलब ए ए बी बी सी सी के जगह फेस सीक्वेंस का करंट अगर आप सप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रीवियसली अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी एन और एस पोल्स इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे तो आप इनका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाएगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट ने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कवर किया फिर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो स्टेटर में हम लोगों को कंस्ट्रक्शन इंडक्शन मशीन में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेटर वाला जो पार्ट होता है सिंक्रोनस मशीन में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया हुआ है सिंक्रोनस कोशिश करते हैं कि सिंक्रोनस मशीन में साइनसोइडल इंड्यूस वोल्टेजेस आर्मेचर कंडक्टर में प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम लोगों ने फॉलो किया हुआ था जब भी आपने सिंक्रोनस मशीन पढ़ा होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पोल्स का कंस्ट्रक्शन देखा होगा कि दो काइंड kind ऑफ of पोल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं सॉरी मशीन में कि एक पोल को हम लोग कहते हैं सिलेंड्रिकल पोल्स सिलेंड्रिकल पोल्स देखने के लिए मिलता है दूसरा सैलियंट पोल्स देखने के लिए मिलता है तो सैलियंट पोल में हम लोग पोल चैम्फरिंग करते हैं मतलब कि मिडिल ऑफ द पोल में मिडिल ऑफ दी पोल में हम लोगों का जो एयर गैप है उसको मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं और साइड साइड में इंक्रीज एयर गैप रखने की कोशिश करते हैं जिससे फ्लक्स डेंसिटी जो कि आपकी फ्लक्स लाइंस पोल्स जो कि रोटर के पोल्स क्रिएट कर रहे हैं उनको एज साइनोसोडल एज पॉसिबल बनाया जा सके फ्लक्स डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट में कवर किया कि इंड्यूसमाफिन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी आपको देखने के लिए मिलता है तो ये फ्लक्स डेंसिटी जो कि रोटर प्रोड्यूस कर रहा है ना रोटर स्पेस में प्रोड्यूस कर रहा है तो रोटर के थ्रू हम लोग फ्लक्स डेंसिटी को एज साइनस पॉसिबल बनाने की कोशिश करेंगे जिससे फ्लक्स डेंसिटी जब साइनस ओडल होगी तो इंड्यूस कंडक्टर आर्मेचर कंडक्टर मतलब कि स्टेटर में प्रोड्यूस्ड स्टेटर में स्टेब्लिश जो आर्मेचर कंडक्टर हैं उसमें साइनसोडल इंड्यूस वोल्टेजेस प्रोवाइड होगा और साइनसोडल की नीड क्या है क्यों हम लोग साइनासोडल इंड्यूस वोल्टेजेस प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं आर्मेचर कंडक्टर्स में द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन फॉर दाइनसोडल इंड्यूज वोल्टेजेस इज कि अगर साइनसोडल इंजेक्शन हम लोग इंडक्शन मशीन्स में करें इंडक्शन मोटर्स में करें क्योंकि हम लोगों को पता है 90% परसेंट ऑफ दी लोड्स जो है इलेक्ट्रिकल लोड्स वो इंडक्शन मोटर लोड्स ही हैं पूरे ऑल ओवर इंडस्ट्रीज में आप जाके देखिए मोस्ट ऑफ दी मोटर्स आपको इंडक्शन मोटर्स देखने के लिए मिलेंगे आपके घर के ऑल अराउंड देखने के लिए मिलेगा जो भी इंडक्शन मोटर्स ही देखने के लिए नाइनटी परसेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल लोड्स आर इंडक्शन मोटर काइंड ऑफ लोड ओनली तो इंडक्शन मोटर्स को स्मूथ ऑपरेशन के लिए स्मूथ टॉर्क के डेवलपमेंट के लिए साइनास वोल्टेजेस का इंजेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोगों ने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली कवर किया हुआ है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तभी स्मूथली प्रोड्यूस होगी जब थ्री फेज टाइम डिस्प्लेस्ड बैलेंस्ड करंट को थ्री फेज डिस्प्लेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में हम लोग इंजेक्ट करेंगे तब जाके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड वन पॉइंट फाइव एफ प्रोड्यूस होगी ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड विच विल रोटेट इन दी एंगल ऑफ टाइम ठीक है अगर अदरवाइज अगर हम लोग अनबैलेंसड करंट का सप्लाई करें तो स्मूथ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस और बैलेंस करंट और अनबैलेंसड करंट कहां से आएंगे वोल्टेजेस के थ्रू ही तो आएंगे तो अगर आपके पास साइनोसोडल वोल्टेजेस है साइनासोडल करंट्स का सप्लाई आप कर सकते हैं अगर साइनोसोडल वोल्टेजेस ही नहीं रहेंगे तो साइनसोडल करेंट्स नहीं सप्लाई होंगे बैलेंस्ड करंट नहीं सप्लाई होंगे बैलेंसड करंट नहीं सप्लाई होंगे बैलेंसड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा इंडक्शन मशीन में तो जो टॉर्क का डेवलपमेंट होगा ये शाफ्ट जर्क के साथ रोटेट करेगा

मैक्सिमम रखने की कोशिश की इंक्रीमेंट इन दी एयर गैप रखने की कोशिश की जिससे फ्लक्स डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन साइनसोडल बनाया जा सके फिर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें कि सिलेंड्रिकल मशीन में स्लॉट्स पर पोल टूवर्ड्स इंटरपोल इंटरपोलर एक्सिस से जब हम लोग मेन फील्ड पोल की तरफ मूव करते हैं तो स्लॉट पर पोल हम लोग ने इंक्रीज करने की कोशिश की जिससे फ्लक्स डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन एज साइनसोडल एज पॉसिबल बनाया जा सके अब एक बार फ्लक्स डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन साइनसोडल बन गया अब ये

डेवलपमेंट हम लोगों को इंड्यूस वोल्टेजेस में देखने के लिए मिलेगा अब आर्मेचर कंडक्टर्स में इंड्यूस वोल्टेजेस में सम काइंड ऑफ हार्मो हम लोगों ने कोशिश किया कि फ्लक्स डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन साइनोसोडल बनाए लेकिन सम की वजह से सम मैकेनिकल कंस्टेंट्स की वजह से सम लिमिटेशन की वजह से इंड्यूस वोल्टेजेस में अभी भी सम काइंड ऑफ क्योंकि यहां पे ये परफेक्ट फ्लक्स डेंसिटी नहीं बन पाया है सम काइंड ऑफ हार्मोनिक्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं तो यही हार्मोनिक्स जम कर पाए कर पा जाएंगे इंड्यूज वोल्टेजेस पे और इंड्यूस वोल्टेजेस में सम काइंड ऑफ हार्मोनिक्स का एग्जिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा अब हम लोग इंड्यूस वोल्टेजेस जो कि आर्मेचर कंडक्टर में उसमें हार्मोनिक्स का रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे जिसके लिए वाइंडिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते थे आप लोगों ने सिंक्रोनस मशीन में पढ़ा होगा आप लोगों ने वाइंडिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट पिचिंग ये सारी चीजें प्रोवाइड करते थे तो के पी फैक्टर कैलकुलेट होता था के डी फैक्टर कैलकुलेट होता था ये सारी कंसिडरेशन आपने सिंक्रोनस मशीन में कर लिया हुआ है तो सिंक्रोनस मशीन में जब एक बार एनालिसिस कर लिया तो इंडक्शन में अगेन हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है मतलब स्टेटर पार्ट को डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम लोगों ने स्लॉट्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन किया हुआ है कि स्टेटर पर किस तरीके का स्लॉट हम लोग इंडक्शन मशीन्स में प्रिफर करेंगे ओपन स्लॉट क्लोज स्लॉट और सेमी ओपन स्लॉट तीनों के बारे में डिटेल्ड आइडिया क्रिएट किया पावर फैक्टर किस मैग्नेटाइजिंग करंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा पावर फैक्टर लीकेज रिएक्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या होगा ये सारी चीजें डिटेल्ड आइडिया हम लोगों ने क्रिएट किया और फिर उसके बाद रोटर कंस्ट्रक्शन में जब हम लोगों ने इंटर किया तो रोटर कंस्ट्रक्शन में स्क्वायरल केज रोटर के बारे में एनालिसिस किया स्क्वायरल केज रोटर इन द सेंस स्क्वायरल केज रोटर के कारण ही इंडक्शन मशीन इतनी पॉपुलर देखने के लिए मिल रही है कि ऑल अराउंड आपको इंडक्शन मशीन देखने के लिए मिल रही है इंडक्शन मोटर्स देखने के लिए मिल रहे हैं स्क्वायरल केज रोटर वेरी रोबस्ट रग्ड काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई वाइंडिंग्स का प्लेसमेंट हम लोग नहीं कर रहे थे केवल स्लॉट्स लीजिए आप लोग स्लॉट्स आप लोगों के रोटर में प्रोवाइडेड है और उसमें मोल्टन मेटल मतलब कि लिक्विफाइड मेटल लिक्विफाइड मेटल को पोर्ड करते चले जाइए स्लॉट्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं, तो वो स्लॉट्स सॉलिडिफिकेशन के बाद जो मोल्टन मेटल आपने पोर किया हुआ है सॉलिडिफिकेशन के बाद वो एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स का शेप ले लेंगे जो कि केज काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर्म कर लेंगे ठीक है तो ये एक सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन है इसमें किसी भी तरीके का कोई स्टार कनेक्शन में या फिर डेल्टा कनेक्शन में वाइंडिंग्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है कोई लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग री वाइंडिंग ये सारी चीजें ओपन वाइंडिंग क्लोज वाइंडिंग ये सारी चीजें प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स का शेपिंग आपको करना है और केज काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा जो कि बोथ हैंड से स्टार्टिंग एंड से भी एंडिंग एंड end से भी बोथ एंड से शॉर्टेड रिंग्स हम लोग यूज करेंगे कि ये एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स जो हैं वो बोथ साइड से शॉर्टेड रिंग्स हम लोग यूज करते थे तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया इसका एक एडवांटेजेस क्या देखने के लिए मिला हम लोगों को एडवांटेजेस इसका स्क्वायर गेज मशीन का यह देखने के लिए मिल रहा है कि जितने नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर में सिचुएटेड हैं कि सपोज करिए कि आपके पास एक फोर पोल की मशीन है फोर पोल का स्टेटर वाउंड किया हुआ है आप स्टेटर का कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे या फिर डिज़ाइन इंजीनियर स्टेटर का कंस्ट्रक्शन कर रहा होगा तो वो डिजाइन वो अपने माइंड में कुछ तो रखेगा कि टू पोल की मशीन कंस्ट्रक्ट करना है या फिर फोर पोल की मशीन कंस्ट्रक्ट करना है सपोज करिए फोर पोल का मशीन कंसिड्रेशन लेके उन्होंने वाइंडिंग कर दिया स्टेटर में वाइंडिंग प्रोवाइड कर दिया अब स्टेटर प्लेस्ड है अब उस स्टेटर के लिए आपको रोटर डिजाइन करना है तो अगर आप स्क्वायरल केज रोटर डिजाइन करने वाले हैं तो स्क्वायरल केज रोटर में यह बॉर्डर करने की जरूरत नहीं कि स्टेटर में कितने नंबर ऑफ पोल्स अवेलेबल हैं क्योंकि जितने नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर में प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑटोमेटिकली सेम नंबर ऑफ पोल्स रोटर में ऑटोमेटिकली स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर्स में ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाएंगे वहां पे बॉर्डर करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को लेकिन अगर फेज वाउंड रोटर हुआ तो फेज वाउंड रोटर में या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जिसको हम लोग कहते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स में क्योंकि हम लोग वहां पे वाइंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं तो हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन पहले से ही करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ पोल्स के लिए स्टेटर हमारा डिजाइंड है उतने ही सेम नंबर ऑफ पोल्स के लिए रोटर को भी हम लोगों को वाइंडिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो फेज वाउंड रोटर में या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स में हम लोगों को इसके बारे में बॉदर करने की जरूरत है फिर हम लोग बात करें कि स्क्वायरल केज रोटर का एक डिसएडवांटेजेस क्या देखने के लिए मिला डिसएडवांटेजेस हम लोगों को यह देखने के लिए मिला कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं देखने के लिए मिल रहा था क्योंकि इसके रोटर्स जो होते हैं बोथ हैंड से शॉर्टेड रहते हैं कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग रोटर सर्क्यूटरी में नहीं प्लेस कर सकते क्योंकि सर्क्यूटरी ऑलरेडी क्लोज है क्लोज है एल्यूमिनियम कॉपर पार्ट उसमें जो की आपके पॉसिबल है स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में जो की अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो ये पूरा रिकेप लिया अभी तक हम लोगों ने इंडक्शन मशीन में क्या डिस्कशन किया हुआ था क्या नीड थी आपको ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया अब हम लोग मूव करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तरफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स की तरफ इस तरीके से बीच बीच में आप लोग क्लासेस कंप्लीट होने के बाद शाम को इवनिंग वॉक में निकलते हैं तो आंख बंद करिए ये सारी चीजें रिपीट करते रहिए ये सारी चीज़ें जो भी आपने क्लास में कवर किया हुआ उन सारी चीज़ों को रीकैप करते रहिए जिससे लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको चीज़ें रिमेम्बर्ड रहें और कॉन्सेप्ट एक बार आप लर्न कर लें तो दोबारा आप कभी भूलें ना बार बार आपको रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े आप जस्ट एक बार नोट्स पलट के दे भी देखेंगे तो सारी चीज़ें रिकैप होती चली जाएंगी लेकिन उसके लिए आपको अभी एफर्ट देना पड़ेगा कि क्लासेस जैसे ही कम्प्लीट होती हैं शाम को या फिर मॉर्निंग में जब आप घूमने निकलते हैं तो सारी चीज़ों को रिकैप करते रहिए तो ये एक बेटर वे है चीजों को रिकॉल करने का रिकैप करने का जिससे लॉन्ग ड्यूरेशन तक चीजें आपके साथ रहेंगे स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर सेकेंड काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं फेज वाउंड रोटर फेज वाउंड रोटर सपोज करिए ये हम लोगों ने स्टेटर ड्रॉ किया स्टेटर में स्टेटर कंडक्टर्स का प्लेसमेंट किया थ्री फेज की मशीन है तो थ्री फेज के कंडक्टर्स ए बी सी फेजेस के कंडक्टर्स हम लोगों ने इंस्टॉल किया तो सपोज करिए ए फेज में इस तरीके से स्लॉट्स अवेलेबल हैं ये ए फेज के स्लॉट्स हैं ये ए फेज के रिटर्न कंडक्टर्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं ये बी फेज के स्लॉट्स हैं ये बी फेज के रिटर्न कंडक्टर को स्पेसिफाई कर रहे हैं ये सी फेज के स्लॉट्स हैं सी फेस के रिटर्न कंडक्टर्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो ये ए वन है तो ये जस्ट वन एटी डिग्री अपोजिट बैक कनेक्शन करते हुए यहाँ से वापस ले आए तो ए पोर्शन अगर ये है कंडक्टर का वन साइड तो रिटर्न कंडक्टर यहाँ से हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा जिसको ए वन डैश से हम लोग सिग्निफाई कर रहे हैं तो ये अगर ए टू है तो ये ए टू डैश हम लोग इसको लिख सकते हैं ये ए थ्री है ए थ्री डैश लिखा जा सकता है सिमिलरली ये अगर बी वन बी टू बी थ्री है तो बी वन का बी वन डैश रिटर्न कंडक्टर यहां पे बी टू का बी टू डैश रिटर्न कंडक्टर यहां पे बी थ्री डैश रिटर्न कंडक्टर यहां पे यहां पे हम लोग एज्यूम करें सी वन सी टू सी थ्री है तो C1 का रिटर्न कंडक्टर C1- वन डैश यहाँ पर सी का C2- टू डैश यहाँ पर सी का C3- थ्री डैश यहाँ पर हम लोगों ने प्लेस किया अब रोटर के बारे में बात करें कि चलिए अब रोटर का प्लेसमेंट करते हैं क्योंकि मेनली हम लोग रोटर के बारे में ही बात कर रहे हैं आप लोगों को स्टेटर में किस तरीके से वाइंडिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो इस तरीके से साफ्ट की से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें रोटर को तो सपोज करिए ये रोटर के कंडक्टर्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये ए फेज के कंडक्टर्स हो गए ये बी फेज के कंडक्टर्स हो गए ये सी फेज के कंडक्टर्स हम लोगों ने रोटर में इंस्टॉल कर दिया ठीक है ये ए फेज के कंडक्टर्स ये बी फेज के कंडक्टर ये सी फेज के कंडक्टर जैसे आपने स्टेटर में वाइंडिंग प्रोवाइड की हुई सिमिलर वाइंडिंग आपको रोटर में भी प्रोवाइड करना पड़ेगा तो इंडक्शन मशीन में हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल है स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन्स का कि हम लोगों कोई भी वाइंडिंग्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है सॉलिडली एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स का हम लोग इंजेक्शन प्रोवाइड कर दें जिससे रोटर का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है जो कि वेरी रोबस्ट रग्ड होगा मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होगा तो अननेसेसरली मशीन का मैकेनिकल स्ट्रेंथ हम लोग क्यों रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं फेज वाउंड इंडक्शन मशीन के साथ क्यों जा रहे हैं क्योंकि रोटर यहाँ पे हम लोगों को रोटर्स में वाइंडिंग्स प्रोवाइड करने की जरूरत है और अगर आप वाइंडिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली सॉलिड एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स के कंपेरिजन में इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगी ना ये कुछ डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन होगा और ऑपरेशन भी इसका डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू केज इंडक्शन मशीन इसीलिए नाइनटी परसेंट ऑफ दशीन केज कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता है हम लोगों को इसका यूज हम लोग वहीं पे करते हैं जहां पे हम लोगों को हाई स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट रहता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट रहता है जैसे हम लोग बात करें कि लोकोज में लोको इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह में आपको ऑल ऑफ अ सडन इंजन को सारे के सारे लोड्स को डिराइव करना रहेगा ऑल ऑफ अ सडन मूवमेंट प्रोवाइड करना रहेगा कि स्टैटिक ट्रेन बना हुआ है स्टार्ट हुई जैसे ही ट्रेन ऑल ऑफ अ सडन सारे के सारे लोड्स कनेक्टेड है सारे के सारे लोड्स को आपको डिराइव करना है तो वहां पे हम लोग फेज वाउंड इंडक्शन मशीन का यूज कर सकते हैं क्योंकि तो वहां पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसके डिस्कशन में कि क्यों हम लोग यूज करेंगे इसका कैसे इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं एज ऑफ नाउ टॉर्क वगैरह का एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने नहीं देखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता क्या है बस इतनी इतनी अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों को कि स्टेटर से प्रोड्यूस्ड फ्लक्स लाइंस, रोटर से प्रोड्यूस्ड फ्लक्स प्रोड्यूसड एयर गैप में जब इंट्रैक्शन करेंगी तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा उसके लिए कोई भी एक्वेशन हम लोगों ने डिराइव नहीं किया हुआ है जो कि हम लोग डिराइव करेंगे अब यहां पे हम लोग बात करें इसके शाफ्ट में इसके साफ्ट में थ्री स्लिपरिंग्स हम लोगों को अरेंज करना रहेगा स्लिपरिंग्स थ्री स्लिप रिंग्स हम लोगों ने अरेंज किया हुआ है थ्री स्लिप रिंग्स हम लोगों ने अरेंज किया हुआ है यहां पे, और यहां पे ए फेस के कंडक्टर जो हैं, वो एक स्लिप रिंग के साथ एसोसिएटेड हैं। बी फेज के कंडक्टर्स दूसरे स्लिप रिंग्स के साथ एसोसिएटेड हैं सी फेज के कंडक्टर्स तीसरे स्लिप रिंग्स के साथ एसोसिएटेड हैं ए बी सी ये ए बी सी तीनों रोटर के जो कंडक्टर्स हैं ये इन स्लिप रिंग्स के साथ एसोसिएटेड हैं ये शाफ्ट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे स्लिप रिंग्स का अरेंजमेंट हम लोग कर देते हैं स्लिप रिंग्स का अरेंजमेंट कर देते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये ये रोटर क्या है रोटर एक स्टेशनरी बॉडी है सॉरी रोटेटिंग बॉडी है स्टेटर स्टेशनरी बॉडी है रोटर रोटेटिंग बॉडी ऑल ऑफ अ सडन ये रोटेट कर रही है तो इनके कंडक्टर्स भी रोटेट कर रहे हैं अभी इस रोटेटिंग बॉडी का कनेक्शन अगर हम लोगों को स्टेशनरी बॉडी से मेंटेन करना है तो स्लिप रिंग्स की ज़रूरत होगी ना ये सपोज़ करिए रोटर है रोटर है अगर हम लोग स्लिप रिंग्स का अरेंजमेंट यहाँ पे कर देते हैं स्लिप रिंग्स का अरेंजमेंट कर देते हैं तो इस रोटेटिंग बॉडी का कांटेक्ट हम लोग स्टेशनरी बॉडी से मेंटेन कर सकते हैं इसलिए स्लिप रिंग्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग कि रोटेटिंग बॉडी का कांटेक्ट अगर स्टेशनरी बॉडी से मेंटेन करना हो तो स्लिप रिंग्स का यूज करते हैं तो इन स्लिप रिंग्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे ब्रशेस कनेक्ट करेंगे यहां से ब्रशेस कार्बन ब्रशेस जो कि ग्रेफाइन काइंड ऑफ फिनोमिना आपको देखने के लिए मिलेगा ब्रसेस हम लोग यूज करेंगे इन स्लीपरिंग्स में ब्रसेस एसोसिएटेड रहेंगे ठीक है अब इन ब्रशेस के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं ये रेजिस्टेंस लोड बॉक्सेस अवेलेबल है हमारे पास जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस का बॉक्स अवेलेबल है अब इसके वेरिएबल रेजिस्टेंसेस जो कि डायरेक्टली रोटर के सर्क्यूटरी से कनेक्ट हो चुका है रोटर के कंडक्टर्स के साथ कनेक्ट हो चुका है डायरेक्टली कपल्ड हो चुका है ठीक है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का प्रोविजन स्लीपरिंग इंडक्शन मोशन मोटर या फिर फेज वाउंड रोटर में देखने के लिए मिलता है जबकि ये कंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन्स में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि बोथ दी एंड से वो सॉर्टेड रिंग्स हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस हम लोग कुछ इस फैशन में अरेंज कर सकते हैं क्योंकि जो टॉर्क का डेवलपमेंट होता है स्टार्टिंग टॉर्क का डेवलपमेंट रोटर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है तो अगर हायर रोटर रजिस्टेंस होगा हायर स्टार्टिंग टॉर्क का डेवलपमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क अगर हायर प्रोड्यूस करनी है तो कौन से मशीन्स के साथ जाएंगे फेज वाउंड इंडक्शन मशीन या फिर स्लिपरिंग इंडक्शन मशीन्स क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल रजिस्टेंसेस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अब अगर बात करें कि ये रेजिस्टेंसेस सपोज करिए हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया कनेक्ट कर दिया तो कंटिन्यूसली कॉपर लॉसेस मशीन्स में देखने के लिए मिलेंगे जिससे एफिशिएंसी और ड्रॉप डाउन हो जाएगी और स्पीड रेगुलेशंस में भी डिफिकल्टी देखने के लिए मिलेगी स्पीड टॉर्क का डेवलपमेंट हाई देखने के लिए मिलेगा जो कि स्पीड रेगुलेशन में भी इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ठीक है तो इन सारी चीजों को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है कि स्टार्टिंग टॉर्क के लिए ही तो हम लोगों को रोटर रेजिस्टेंस चाहिए ना स्टार्टिंग के कंडीशन में कि लोको स्टार्ट हो रही है उस पर्टिकुलर कंडीशन में ही इन हीस को हम लोग कनेक्ट करेंगे इन को इस रोटर सर्क्यूटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और एक बार मशीन स्टार्टिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है मशीन रन करना चालू कर देती है लोकोल रन करना चालू कर देती है फिर ग्रेजुअली इन रोटर रजिस्टेंस को आप रिमूव कर सकते हैं जिससे रनिंग कंडीशन में क्योंकि मशीन्स जो होती हैं वो स्टडी स्टेट के लिए डिजाइंड होती हैं स्टडी स्टेट ऑपरेशन के लिए डिजाइंड होती हैं हम लोगों को मशीन के साथ ऐसा थोड़ी करना है कि स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप आपके घर का जो सीलिंग फैन है आप जैसे ही स्विचेस ऑन करते हैं वो रन करना चालू कर देती है और स्टडी स्टेट में रोटेट करना चालू कर देती है आपके रिक्वायरमेंट जब फुलफिल हो जाते हैं आप जाके स्विच ऑफ कर देते हैं आप ऐसा थोड़ी करते हैं कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ इस तरीके से तो मशीन्स जो होती हैं ट्रांजिएंट के लिए नहीं स्टडी स्टेट के लिए डिजाइन होती हैं तो स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोगों को माइंड में रख के चलना है स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक को इंप्रूव करके चलना है जिसके लिए ट्रांजिएंट कंडीशन के लिए स्टार्टिंग के कंडीशन के लिए हम लोग रोटर रजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के कंडीशन में कॉपर लॉसेस वगैरह देखने के लिए मिलेंगे एफिशिएंसी ड्रॉप डाउन रहेगी लेकिन रनिंग कंडीशन जो कि मशीन मोस्ट ऑफ द टाइम में रनिंग कंडीशन में ही होने वाली है स्टडी स्टेट टाइम में ही होने वाली है वो स्टार्टिंग कंडीशन में ही थोड़ी होने वाली है स्विच जैसे ही ऑन किया वो रन करना चालू करेगी ना ट्रांजिएंट पीरियड में कम स्पीड से रोटेट करेगी फिर एक बार स्टडी स्टेट से रोटेट करना तो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करना चालू कर देगी तो मशीन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टडी स्टेट में अपने होती है तो स्टडी स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को बात करना है इन द सेंस इन रोटर रेजिस्टेंस को एक बार कनेक्ट किया स्टार्टिंग टॉक प्रोड्यूस हो गया मशीन रन करना चालू कर दी फिर उसके बाद ग्रेजुअली इनको कट डाउन किया जा सकता है मतलब कि स्टडी स्टेट में कोई एफिशियंसी या फिर कॉपर लॉसेस ड्रॉप डाउन नहीं देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को वो कंटिन्यूस टाइम के लिए प्रॉपरली ऑपरेट कर सकती हैं

तो ये पॉइंट्स नोट डाउन हम लोग कर सकते हैं द रोटर इज ड्रम स्लॉट्स और पंचर करते हैं हम लोग सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन स्लॉट्स कि प्रीवियसली भी हम लोगों ने बात किया हुआ था सेमी ओपन स्लॉट्स हम लोग प्रीफर करते हैं और मशीन्स की रेटिंग रियली हाई है वेरी हाई रेटेड कैपेसिटी के है तो ओपन स्लॉट्स हम लोग यूज करते हैं जिससे लीकेज वगैरह से हम लोग बच सकें लीकेज फ्लक्स वगैरह से लीकेज रिएक्टेंसेस से रोटर स्लेंड का ड्रम सेब स्ट्रक्चर पंच इन टू स्लॉट सेमीक्लोज ऑन दी आउटर पेरीफेरल विच कंटेन्स थ्री फेज वाइंडिंग सिमिलर टू द स्टेटर वाइंडिंग ऑब्वियसली हम लोगों ने इसके बारे में बात किया कि जैसे स्टेटर वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन ए फेज बी फेज सी फेज का आपने किया हुआ है सिमिलरली रोटर का भी कंस्ट्रक्शन आपको स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में या फिर फेज वाउंड इंडक्शन मशीन्स में आपको करना पड़ेगा सेम वाइंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी सेम काइंड ऑफ फिनोमिना बट द रोटर फेज वाउंड रोटर शुड बी एसेंशियली स्टार कनेक्टेड अब यहाँ पे भी एक अच्छी लॉजिक समझ में आ रही है कि रोटर जो होना चाहिए वो एसेंशियली स्टार कनेक्टेड होना चाहिए ऐसा क्यों ये रोटर जो है इनके वाइंडिंग्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार फैशन में होना चाहिए स्टार फैशन में होना चाहिए ये स्टार फैशन में कनेक्टेड होना चाहिए रोटर रिंग, इंडक्शन मोटर रोटर एसेंशियली स्टार कनेक्टेड होना चाहिए स्टार कनेक्टेड फैशन में होना चाहिए ऐसा क्यों तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर ये स्टार कनेक्टेड हुआ स्टार इस कनेक्शन इसी को स्टार इस कनेक्शन हम लोग कहते हैं ना ये स्टार कनेक्शन रोटर हो गया अब इसको रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस के साथ कनेक्ट करना है ना हम लोगों को तो सपोज करिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस के साथ हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अब यहां पे ऑब्जर्व करिए यहां पे अगर ये स्टार फैशन में रहेगा अगर रोटर स्टार फैशन में रहेगा तो एक्सटर्नल रजिस्टेंस के साथ हम लोग कनेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन यहां पर स्लिपरिंग्स का कितना रिक्वायरमेंट रहेगा कितने वायर्स को रोटेटिंग बॉडी को स्टेशनरी के साथ कनेक्ट करना है तीन वायर्स को ना इसीलिए थ्री स्लिप रिंग्स की जरूरत रहेगी यहां पे थ्री स्लिप रिंग्स रिक्वायर्ड फॉर दिस कंस्ट्रक्शन लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे पास डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है सेकेंड डेल्टा कनेक्टेड है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस के साथ हम लोगों को कनेक्ट करना है तो परफेज के रेस्पेक्ट में इसको कनेक्ट करना रहेगा रेजिस्टेंसेस को तो यहां से अगर हम लोग रिमूव करते हैं पार्ट्स को इस तरीके से अगर रिमूव करते हैं पार्ट्स को तो वन बाई वन हम लोगों को यहाँ से कनेक्शन प्रोवाइड करना रहेगा इस तरीके से ये रेजिस्टेंस पर फेसेस में इस तरीके से कनेक्ट हो गया इस फेस के साथ ये इस फेस के साथ और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस का कनेक्शन हम लोगों ने मेंटेन कर लिया अब यहां पे चीजों का ऑब्जर्वेशन करें तो कितने स्लिप रिंग्स का रिक्वायरमेंट रहेगा डेल्टा कनेक्शन में डेल्टा कनेक्शन में कितने स्लिप रिंग्स का रिक्वायरमेंट रहेगा तो गिनिए एक दो एक दो तीन चार पांच ंगस का रिक्वायरमेंट रहेगा यहाँ पे सिक्स स्लिप रिंग्स रिक्वायर्ड रहेंगी तो अगर आपका स्टार कनेक्शन है तो थ्री स्लिप रिंग्स अफिशियंट है अदरवाइज डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं तो सिक्स स्लिप रिंग्स आपको यूज करनी पड़ेंगी जिसके कारण सिक्स स्लिप रिंग्स के कारण ब्रशेस का भी अरेंजमेंट आपको ज्यादा यूज करना पड़ेगा जब स्लिपरिंग्स बढ़ रही हैं तो ब्रशेस भी तो ज्यादा जो कि करंट कलेक्शन का काम करेंगे पावर कलेक्शन का, का काम करेंगे उनका भी नंबर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा तो ओवरऑल शाफ्ट का लेंथ भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा मशीन का शाफ्ट का लेंथ भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा और ये एक अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है कि कॉस्टलीस्ट पार्ट ऑफ द मशीन आपको क्या देखने के लिए मिलती है कि क्या बियरिंग कॉस्टलीस्ट है मशीन्स में या फिर कॉपर वाइंडिंग्स कॉस्टलीस्ट है मशीन का या फिर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन का यूज कर रहे हैं वो कॉस्टलीस्ट है कौन सा पार्ट मशीन में सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट है तो इसका करेक्ट आंसर ये होता है कि शाफ्ट ऑफ द मशीन सबसे ज्यादा कॉस्टली पार्ट है आपको सुन क्या है ये सारी चीजें हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग मेंटेन ना हो लेकिन जब जरूरत पड़ी जब हम लोगों को मौका मिलेगा तो इसके बारे में जरूर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कॉस्टलीस्ट पार्ट ऑफ द मशीन साफ्ट कैसे होता है क्योंकि ये फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझ के रखिए कि शाफ्ट कंटिन्यूसली अपोजिशंस का एक्सपीरियंसेस करता है कि सपोज करिए कि प्राइम मूवर इस डायरेक्शन में टॉर्क को रोटेट कर रहा है जनरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें प्राइम ओवर इस डायरेक्शन में शाफ्ट को रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलपमेंट ऑफ दी मशीन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रही तो ये अगर शाफ्ट है मशीन का एक एक इस डायरेक्शन से ट्विस्टिंग मूवमेंट ये एक्सपीरियंस कर रहा है दूसरा ट्विस्टिंग एक्सपीरियंस ट्विस्टिंग मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन से एक्सपीरियंस कर रहा है तो कंटिन्यूसली अपोजिशंस के कारण यहाँ पे नॉर्मल एज अ आयरन हम लोग यूज़ करें एज अ साफ्ट तो वो सफिशियंट नहीं रहेगा वो ब्रिटल मटेरियल रहेगा इमिडिएटली ब्रेक डाउन हो जाएगा इसीलिए हम लोग कोल्ड फॉर्जिंग हॉट फॉर्जिंग मैथड्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट दी शाफ्ट ऑफ द मशीन जो कि मशीन के शाफ्ट को कॉस्टलीस्ट बना देते हैं इसीलिए अगर हम लोग शाफ्ट का लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो ओवरऑल मशीन की इकोनॉमी इंक्रीज कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ दी मशीन इंक्रीज हो जाएगी इसीलिए इन्हीं सारे रीजंस को माइंड में रखते हुए हम लोग थ्री सॉरी स्टार कनेक्टेड रोटर्स ही यूज करेंगे जिसमें थ्री स्लिप रिंग्स का रिक्वायरमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिले अदरवाइज मशीन कॉस्टलीस बन जाएगी यहाँ पे स्लिक स्लिप रिंग्स लगेंगी थ्री के जगह पे सिक्स स्लिप रिंग्स लगेंगी अगर हम लोग डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं तो तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट आप और इन्हीं सारे में से ना वन बाई वन आपके इन्हीं सारे चीजों में से न्यूमेरिकल्स का सॉरी uh, जो भी एम सी क्यूज हैं वो फ्रेम किए जाते हैं एग्जामिनेशन में टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो जो भी प्रीवियस ईयर्स के कलेक्शंस हैं पेपर्स के वो आप उठा के देखिए इन्हीं सारे क्वेश्चंस में से आपके एम सी क्यूज फ्रेम किए जाते हैं जो भी न्यू एम सी क्यूज आ रहे हैं अब हम लोग बात करें रोटर इज डिजाइंड फॉर सेम नंबर ऑफ पोल्स एज ऑन दी स्टेटर तो आशा करते हैं ये विजिबल होगा आपको मैं इंक्रीज कर दे रहा हूं रोटर इज डिजाइंड फॉर द सेम नंबर ऑफ पोल्स एज ऑन स्टेटर बट प्रिफरेबली द नंबर ऑफ स्लॉट्स शुड नॉट बी सेम एंड एंड शुड नॉट हैव द कॉमन फैक्टर टू अवॉइड एनी चांस ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग ड्यूरिंग दी स्टार्टिंग तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया हुआ है मैग्नेटिक लॉकिंग और जब जरूरत पड़ेगी कॉगिंग क्रॉलिंग के बारे में जब हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे वहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मैग्नेटिक लॉकिंग के फिनोमुना को तो हम लोग यहाँ पे मैंशन है रोटर इज डिजाइन फॉर द सेम नंबर ऑफ पोल्स स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन्स में हम लोगों को इसके बारे में बॉर्डर करने की जरूरत नहीं थी जितने नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर में अवेलेबल हैं सेम नंबर ऑफ पोल्स रोटर में ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो रहे थे लेकिन अगर आपके पास फेज वाउंड इंडक्शन मशीन है फेज वाउंड या फिर स्लिपरिंग इंडक्शन मशीन है तो वहाँ पे आपको बॉर्डर करने की ज़रूरत है कि जितने नंबर ऑफ पोल्स के लिए स्टेटर कंस्ट्रक्टेड है उतने ही सेम नंबर ऑफ पोल्स का फॉर्मेशन के लिए आपको वाइंडिंग्स रोटर में प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर वो स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन्स हैं या फिर फेज वाउंड इंडक्शन मशीन से दोनों सेम ही होते हैं ठीक है तो स्क्वायर केज में ये बाउंडेशन नहीं था हमारे पास वो ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो रहे थे हां लेकिन एक लिमिटेशन था कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल्स क्रिएट किए जा सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबिलिटी पे वो डिपेंड करेंगे है ना लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन में तो ये एक पॉइंट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है और स्लॉट्स जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स स्टेटर में अवेलेबल हैं उतने ही सेम नंबर ऑफ स्लॉट्स अगर रोटर में रखें तो मैग्नेटिक लॉकिंग की टेंडेंसी देखने के लिए मिलती है तो इन्हीं सारे रीजन से बचने के लिए हम लोग डिफरेंट नंबर ऑफ कोई भी सेम इंटिग्रल्स से फॉलो नहीं करते हैं डिफरेंट नंबर्स हम लोग फॉलो करते हैं शुड नॉट बी द सेम एंड शुड नॉट हैव द कॉमन फैक्टर टू अवॉइड एनी चांस ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग तो मैग्नेटिक लॉकिंग जब हम लोग डील करते रहेंगे तो इस पॉइंट का यूज आपको वहां पर समझ में आएगा कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं फॉर द टाइम बिंग मैकिंग मैग्नेटिक लॉकिंग की टेंडेंसी को रेड्यूस करने के लिए जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स इस थिएटर में अवेलेबल हैं सेम नंबर ऑफ स्लॉट्स हम लोग रोटर में नहीं प्लेस करते हैं देखिए स्लॉट्स अलग है पोल्स अलग है फेजेस अलग हैं कंटिन्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कंडक्शन है कंडीशन uh, है कि जितने नंबर ऑफ स्लॉट सॉरी जितने नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर में अवेलेबल है सेम नंबर ऑफ पोल्स रोटर में होना चाहिए ना कि स्लॉट्स स्लॉट्स कैन बी डिफरेंट की सपोज करिए कि स्टेटर में कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ स्लॉट्स है रोटर में कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ स्लॉट्स है वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप करके दे सकते हैं आपको लेकिन अगर नंबर ऑफ पोल्स में चेंजेस हो गया तो वो नहीं देंगे आपको कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। फेजेस के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें कि स्टेटर के नंबर ऑफ फेजेस जो है वो रोटर के नंबर ऑफ फेजेस के साथ मैच करें या फिर ना करें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट पॉसिबल होगा फेजेस के हम लोगों को कोई भी मतलब नहीं है फेजेस इंटरक्ट करते हैं या फिर नंबर ऑफ पोल्स इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलपमेंट होता है ऑब्वियसली नंबर ऑफ पोल्स इंटरक्ट करते हैं स्टेटर पोल्स पोल्स रोटर पोल से इंटरेक्ट करता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट होता है तो फेजेस से हम लोगों को नहीं मतलब है फेजेस कैन बी डिफरेंट ना सपोज करिए थ्री फेज का आपका स्टेटर है टू फेज का आपका रोटर है तब भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा मशीन में लेकिन नंबर ऑफ पोल्स मस्ट बी सेम जितने नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर में है सेम नंबर ऑफ पोल्स रोटर में भी आपको होने चाहिए द थ्री टर्मिनल्स ऑफ द स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग विल बी ब्रॉट आउट एंड कनेक्टेड टू द थ्री स्लिपरिंग्स माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट विद द सूटेबल इंसुलेशंस कि ऑब्वियसली हम लोगों को किस तरीके से माउंट करना पड़ेगा कि शाफ्ट में थ्री स्लिपरिंग्स अरेंज हैं जो कि थ्री ब्रशेस के साथ हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा और ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया हुआ है फिगर में द स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रोटर रजिस्टेंस बट द रोटर्स आर नेचुरली डिजाइन फॉर लीस्ट पॉसिबल रजिस्टेंस ओनली लीस्ट पॉसिबल क्यों हम लोग डिजाइन करते हैं क्योंकि स्टडी स्टेट बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए स्टडी स्टेट बिहेवियर इन द सेंस कि स्टडी स्टेट मशीन ऑलरेडी जब रन कर रही है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर रोटर रजिस्टेंस ज्यादा रहेगा ज्यादा कॉपर लॉसेस प्रोड्यूस करेगा ना एफिशिएंसी एफिसियंसली ड्रॉप डाउन ही रहेगी रनिंग कंडीशन में स्टडी स्टेट कंडीशन में में मोस्ट ऑफ द टाइम इसीलिए स्टेट बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए रोटर रेजिस्टेंस को हम लोग लीस्ट पॉसिबल ही रखने की कोशिश करते हैं लेकिन स्टार्टिंग बिहेवियर को हम लोगों को इंप्रूव करना है तो स्टार्टिंग के पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ एक्सटर्नल रजिस्टेंसिस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग का पीरियड जो है वो ट्रांजेंट पीरियड है ना क्योंकि मशीन मोस्ट ऑफ दी टाइम रनिंग कंडीशन में होने वाली है ना कि स्टार्टिंग कंडीशन में द स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रोटर रजिस्टेंस बट द रोटर्स आर नेचुरली डिजाइन फॉर द लीस्ट पॉसिबल रजिस्टेंस इन ऑर्डर टू हैव द हाई स्टार्टिंग टॉर्क ऑन एंड एक्सटर्नल रजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन ईच फेज इक्वली थ्रू द स्लीप रिंग्स एंड ब्रशेस ऑब्वियसली हम लोगों ने बात किया कि ईच फेजेस के रेस्पेक्ट में हम लोग एक्सटर्नल रजिस्टेंसेज कनेक्ट करते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं वो ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया हुआ है अंडर रनिंग कंडीशन द रजिस्टेंसेस इज डिस्कनेक्टेड रनिंग कंडीशन स्टडी स्टेट कंडीशन एक बार मशीन में स्टार्टिंग टॉर्क का डेवलपमेंट हो गया मशीन रन करना चालू कर दी फिर उसके बाद जब स्टडी स्टेट में है ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में तो रनिंग टॉर्क के लिए तो हम लोगों को हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं चाहिए ना हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए रोटर रजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर रहे थे जब मशीन एक बार स्टार्ट हो गई ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में तो ये एक्सटर्नल रजिस्टेंस को रिमूव किया जा सकता है डिसकनेक्ट किया जा सकता है अंडर रनिंग कंडीशन द रजिस्टेंस इज डिस्कनेक्टेड यूजिंग द मेटल कॉलर मेटल कॉलर इज द काइंड ऑफ स्विचिंग जो हम लोग यूज करते हैं मेटल कॉलर की हेल्प से अरेजमेंट द ब्रसेस आर स्लाइड डाउन

कि रोटर को रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर हम लोग डिसकनेक्ट कर देते हैं मेटल कॉलर की हेल्प से तो जो स्लिप रिंग्स रहेंगे वो ऑटोमेटिकली शॉर्टेड हो जाएंगे शॉर्ट हो जाएंगे मतलब कि यहां पे भी जो रोटर है है वो शॉर्ट इट इज जस्ट बिहेविंग लाइक अ ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी साइड से हम लोग एनर्जाइज कर रहे हैं विद अ शॉर्टेड सेकेंडरी सेकेंडरी साइड उसका शॉर्ट सर्क्यूटेड है प्राइमरी साइड से एनर्जाइज कर रहे हैं ठीक है तो ये एज अ रोटेटिंग ट्रांसफार्मर हम लोग यूज कर सकते हैं इसको रोटेटिंग ट्रांसफार्मर क्योंकि रोबस्टनेस रगनेस के कारण तो ये पॉइंट्स हम लोगों को क्लियर देखने के लिए मिल रहा है एनालिसिस हम लोगों ने किया अंडरस्टैंडिंग मेंटेन किया देन इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे दिस इज ओनली यूज फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करने का फिनोमिना है हमारे पास तो हाई स्टार्टिंग टॉक जहाँ पे प्रोड्यूस करना रहे तो तो प्रिंग इंडक्शन मशीन्स या फिर मशीन का यूज कर सकते हैं अराउंड 90 परसेंट ऑफ दोटर्स स्क्ल ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनली क्या रीजन है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया हुआ है स्लिप मोटर्स आर एक्सपेंसिव कॉम्प्लीकेटेड डिजाइन हाई मेंटेनेंस रिपेयर्स रनिंग कैरेक्टरिस्टिक आर नॉट गुड कंपेरेटिवली ऑब्वियसली कॉस्टलीस्ट है ना थ्री स्लिपरिंग्स की ज़रूरत हम लोगों को पड़ रही है अगर डेल्टा कनेक्शन यूज़ करें सिक्स स्लिपरिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी ब्रशेस की ज़रूरत पड़ेगी वाइंडिंग्स प्रॉपरली प्रोवाइड करना पड़ेगा रोटर में जबकि स्क्वायरल केज में क्या था स्लॉट्स अवेलेबल थे मोल्टन मेटल पोर किया लिक्विफाइड मेटल पोर किया ऑटोमेटिकली वो एल्यूमिनियम और कॉपर का सेव ले लिए सॉलिड एल्यूमिनियम और कॉपर पार्ट्स का कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल गया तो वो कंस्ट्रक्शन इजी है लेस कॉस्टली है कंपेयर टू दिस स्लिपरिंग इंडक्शन मशीन तो ऑब्वियसली इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया और प्रैक्टिकल लिंक्ड हम लोगों ने क्रिएट किया जिससे आप इन सारी चीज़ों को कभी भी भूलें ना तो एक बार अगर आप रिवाइज कर लेते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को रोटर्स का तो कभी भी पूरे लाइफ टाइम में भूलने वाले नहीं हैं और इन्हीं से बीच बीच से क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जाते हैं क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं एमसीक्यू फ्रेम किए जाते हैं तो इन सारी चीजों पर हम लोगों को इंपॉर्टेंस बना के चलना है तो आज के सेशन में इतना हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग मेंटेन किया आपके जो भी डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में लिखिए उन सारे डाउट्स को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे उन उनपे वीडियोज बनाने की कोशिश करेंगे लेक्चर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि यूट्यूब में यानी कि एजुकेशन आप लोगों को अवेल कर रहा है लेक्चर्स इसके प्रॉपरली एडवांटेजेस लिया जा सके स्टूडेंट्स प्रॉपरली एडवांटेजेस लिया जा सके जिसके लिए आप लोगों को सेशंस को प्रॉपरली आप लोग शेयर करते रहिए सेशंस को लाइक करिए जिससे यूट्यूब के एल्गोरिथम प्रॉपरली काम करें कमेंट्स प्रोवाइड करिए जो भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कमेंट्स हैं अबाउट दी लेक्चर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करिए जिससे अदर स्टूडेंट जब भी फर्स्ट टाइम इन लेक्चर सीरीज में आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट्स में ही तो जाते हैं ना सारे के सारे यूट्यूबर्स कहाँ पर जाते हैं कमेंट्स में जाते हैं तो कमेंट्स से आप लोगों को वीडियोज में क्या बताया गया है एफेक्टिव है या फिर नहीं आपके एग्जामिनेशन ओरियंटेड सारी चीज़ें हैं या नहीं ये सारी चीजें पता चले और वो सारी चीजें उसका टाइम अगले का टाइम वेस्ट ना हो वो इमीडिएटली कमेंट बॉक्स पढ़ के रिव्यूज पढ़ के वीडियोस देखना चाहे तो देख no problem, तो देख सकता है अदरवाइज नो प्रॉब्लम इन सारी रीजंस की वजह से हम लोग ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव लिए हुए हैं यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं इसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करिए है, हैंड हैंडरिटर्न नोट्स बनाइए और सारी चीजें वन बाई वन लिखिए और रिकैप रिकैप करते रहिए मॉर्निंग में घूमने निकलते हैं इवनिंग में घूमने निकलते हैं तो सारी चीज़ें जो भी क्लास में की गई हूँ रिकैप करते रहिए जिससे लॉन्ग ड्यूरेशन तक चीजें आपको रिमेंबर रहेंगी और ये प्रोसेस इमिडिएटली अगर आप रिपीट कर लेते हैं रिकैप कर लेते हैं एक बार तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है जब भी आप पेज पलटेंगे नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करते रहेंगे तो आपको केवल पेजेस को देखने की जरूरत रहेगी सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली रिकैप होती चली जाएंगी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन वेरी वेरी ऑल द बेस्ट नेक्स्ट सेशन में अगेन मिलते हैं इंडक्शन मशीन के सेशन में और किसी ब्यूटीफुल टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं थैंक यू